आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि मैं एक जयकारा लगाऊंगा, आप सभी ने मेरे साथ उस जयकारे में बोलना है। सरस्वती पुत्र दादा लक्ष्मी चंद की जय। अब बाकी जैसे मेरे भाई बाली शर्मा जी हैं और सारे नीचे बैठे हैं, सरपंच साहब भी हैं, आप सभी ऊपर आ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऊपर आ जाओ, सब ऊपर आ जाओ भाई सरपंच साहब। सारे आ जाओ जी, जितने बैठे हैं सभी सारे आ जाओ भाई। के तकत गल रेत पे कंध उतरा बना रखा, कितने बैठ गए उस पे जगह नहीं थे ना, फुल जगह भाई। अब तकत हो तो टूट जाए। सुना संरक्षक मनोज गौतम, भाई गौतम मनोज गौतम जी, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण अवतार एडवोकेट जी, महासचिव मास्टर रविंदर बास, कोषाध्यक्ष मनजीत पासोरिया, सिरसा के नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर शमशेर जी, मास्टर सतबीर के बाल सखा जिन्होंने बाल्यकाल से मास्टर सतबीर जी के साथ मिलकर के गाया, मेरे बड़े भाई साहब डीएसपी श्री भगवान जी, धाराडू गांव से पूर्व सरपंच पवन शर्मा जी, रामफल शर्मा जी, नारायण शर्मा जी, उमरावत के सरपंच दिनेश कौशिक जी, हरियाणा के सुपरस्टार कलाकार अपने समय के दाग जमाने वाले जो एक प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे बीच में विद्यमान बाली शर्मा जी, सुरेंद्र गिगनाऊ, सुमित सातरोडिया, जनक बापोड़ा और अभी गा के गए हैं। मैं भाई नारायण जी से खुश नहीं हूँ कि इतनी गजब की छोर अनुरागिनी गाई रहा आपने, बिसरा दिया बहुत बढ़िया, ताण घना ला दिया, मजा कमाया, ताण घना ला दिया, बहुत बढ़िया गाया। हमारे अशोक मिर्ची जी ने सुनाया, राम बिलास शर्मा जी ने सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया, और मेजर रामनिवास जी और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं सबसे पहले मेरे छोटे बड़े जितने भी यहाँ विद्यमान हैं भगवान स्वरूप इस पंचायत में सबको नमन करता हूँ, नमस्कार। दूसरी बात कि बड़ी खुशी की बात है और विशेष कर ये उमरावत गांव, मैं बीच में भूल गया भाई, माफी चाहूंगा, हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी, इन्हीं की तो कोशिश है सारी, इन्होंने तो सारा प्रयास करके ये संकेत उमरावत गांव की तरफ दिया था, और तीन साल तक प्रधान पद पर रहते हुए मैं बिल्कुल नजदीकी से देखा इनको, इतना काम किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे विकास पासोरिया कलाकार हमारा लोक गायक, उसने भी बड़ा योगदान इस दादा के निर्माण आश्रम के निर्माण में दिया है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारी जो आज की मीटिंग है इसके जो एजेंडा है इसका, उसके विषय में मैं चाहूंगा कि हमारे जो महासचिव हैं रविंद्र बास आए और आज का एजेंडा रखें। एजेंडा प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। देखिए ये दादा का आश्रम है, मेरे जैसा मरोड़ी अगर मरोड़ करे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और कि ये कहे कि मैं हूं जो कुछ हूं वह मेरी भूल है, सबसे बड़ी भूल करने वाले तो परमात्मा है, वही सब के लिए है। तो मैं रविंद्र बास जो मास्टर जी हैं हमारे बड़े सुलझे हुए हैं, वक्ता भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज का एजेंडा पेश करें। उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा कि जो भाई अपने विचार व्यक्त करना चाहें वो अपना नाम भी लिखवा दें, क्यों कईयों से मैं अपरिचित हूँ, जिनसे परिचित हूँ मैं उनका नाम बोलूँ भी गा, और बाकी जो जिनसे अपरिचित हूँ बता भी। हाँ जी बोलो। बुजुर्गों को नौजवान
साथियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है यहाँ जो दादा का आश्रम पर काम चालू है, निर्माण कार्य जो चल रहा है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार एक अलग कमेटी बनाई गई है, आश्रम निर्माण समिति। तो उस कमेटी के अंदर आसपास के गांव से जो मौजूद आदमी है गांव के, उन सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो मैं एक बार उस लिस्ट को मैं एक बार आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। अभी 24 आदमी इस कमेटी के अंदर लिए गए हैं आसपास के गांव से। उनमें है सबसे पहले दिनेश सरपंच जी गांव उमरावत से, श्री भगवान जी एक्स सरपंच गांव उमरावत से, रामकिशन जी धारेडू से, बजरंग जी धारेडू से, रामधन शास्त्री जी गांव बडाला से, सुनील शर्मा जी बडाला से, लक्ष्मी नारायण सरपंच जी गांव नरसिंहवास से, श्याम सुंदर कोच गांव सांगा से, सज्जन शर्मा गांव सांवड़ से, नथुराम सरपंच इंडोल से, जितेंद्र प्रधान डाणा नरसान, अजीत सरपंच डाणा लाडनपुर, हरेंद्र सरपंच गांव कोट से, विष्णु प्रधान गांव माँ नेहरू से, जनक लोक गायक जनक गांव बापुड़ा से, विजय प्रधान खरक गांव से, सत्यनारायण शर्मा बुआनीखेड़ा से, मांगेराम सरपंच निदान से, नरेंद्र नंबरदार गांव कसार से जो नरेंद्र नंबरदार जी हैं, इनके सहयोग से बहुत बढ़िया योगदान गांव कसार की तरफ से आया था। गांव कसार ने दो कमरे दिए थे, दो कमरों की घोषणा इस आश्रम में की है। ये निर्माणाधीन है वो कमरे हैं, वो जो निर्माण कार्य चल रहा है ना उस साइड में, तो वहाँ दो कमरे उनके चालू हैं। मेजर राम निवास गांव मीताथल से, राजकुमार योगाचार्य गांव धीराणा से, श्री रामफल जी गांव धारेडू से, श्री पवन शर्मा जी पूर्व सरपंच धारेडू से, और श्री नारायण जी गांव धारेडू से। ये जो 24 आदमियों की जो एक कमेटी बनाई गई है आसपास के गांव से जो मौजूद आदमी हैं, आगे भविष्य में जो भी आश्रम का निर्माण कार्य होगा वो इनकी देखरेख में होगा। बहुत बढ़िया, तो इस संगठन की एक बहुत अच्छी पहल है। और आज के जो और एजेंडे हैं, जैसे आश्रम में बिजली और पानी की व्यवस्था के लिए आपसी चर्चा करना, सड़क से लेकर आश्रम तक के रास्ते को पक्का करवाने के बारे में चर्चा करना, और हमारे अध्यक्ष सनवान जी के अनुसार गांवपुर से बजरंग कौशिक जी हैं, जो पहले 3 साल तक यहाँ संगठन में, देखो प्राइवेट काम से ट्रांसपोर्टर हैं वो, और अहमदाबाद में बैठे हुए, और 3 साल से सोशल मीडिया पे जम के जो प्रचार प्रसार का कार्य उन्होंने किया है बिल्कुल काबिले तारीफ है, और उनको संगठन का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और अभी डॉक्टर शमशेर कालीरमण जी, एक बार खड़े हो जाओ, दर्शन कर लेना, इनको शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। संगठन जिले वाइज प्रमुख घोषित करता है, जिले वाइज संगठन ने टीमें बनाई हुई हैं। तो इसका एक उद्देश्य है कि हरियाणवी कल्चर जहाँ तक है, हरियाणवी संस्कृति जहाँ तक है, और जहाँ तक ये पहुँच नहीं पाई, हरियाणा के कोने कोने में हरियाणवी संस्कृति का परचम लहराना इस संगठन का उद्देश्य है। सिरसा जहाँ पे हमारी संस्कृति का के नाम पे बिल्कुल
जीरो तो नहीं कह सकता बाकी एक या दो है जी। तो मेरे ख्याल लगाइए कि तीन प्रोग्राम हो रहे राजनीति के, समझ में के मारे सरसा में रग नहीं लगाने का हूं था। हां जी किवे गंदा जी। हां उनका कल्चर ही ऐसा है जी, क्योंकि वहां पे कुछ पंजाब टाइप का कल्चर है वहां पे, लेकिन वहां पे प्रचार प्रसार संगठन का जो 25 दिसंबर को वहां वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ अशोक जी मरीची पे और डॉक्टर शमशेर जीओं पे। शमशेर जीओ ने 25 दिसंबर का बहुत बढ़िया आयोजन करवाया था भाई अशोक मरीची ने, बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ था वहां। रामपुरा ढिल्लो गौशाला है जी, शायद 45 गांव की गौशाला है वो, और उनके ये अध्यक्ष भी हैं उस गौशाला के डॉक्टर शमशेर जी वहां। तो बड़ा इन्होंने सराहनीय काम किया था पीछे। तो आज का बैठक का एजेंडा यही है जी। आप सबको नमस्कार है, राम राम, जय धन्यवाद मास्टर रविंदर जी का। अब मैं वक्ताओं में सर्वप्रथम संस्था के संगठन के संरक्षक श्री मनोज गौतम जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। गौतम साहब आदर के योग्य सभी मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, यथा योग्य बुजुर्गों को चरण वंदन, छोटों को प्यार आशीर्वाद, और सरपंच साहब बैठे गाम राम ही समझो, सभी के आगे मैं नमन करता हूँ। संगठन का तात्पर्य ये है कि सब मिलके किसी एक चीज और एक मत पर हो के किसी चीज को हम पूरा करें, और ये अब मुझे लग भी रहा है कि बहुत जल्दी हनुमान जीओं की जो एक मेहनत चल रही है जनमानस तक पहुंचने की, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि अलग अलग गांव से सरपंच साहब भी आए हुए हैं, और ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहे तो भगवान की दया से यहाँ और ही ठीक है दिखाई देगा बहुत जल्द। और जब से हनुमान जी बने हैं इन्होंने काफी मेहनत की है, अब दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आश्रम अब शुरू बढ़ेगा, बाहर से दीवार दिखने लग जाए तो बढ़ गया। तो ये सब इन्हीं के प्रयास और मेहनत का फल है, और जब से ये प्रधान बने हैं हमारे हनुमान जी, ये सरपंच साहब के उससे हमने सलाह गाड़ी हुई है जी। आप हाँ तो हमारे दिनेश सरपंच जी हैं उमरावत से, एक बार खड़े हो जाओ दिनेश जी। इनका काफी नहीं सारा सहयोग और तन मन धन से तीनों चीजों से रहा है, और इनके साथ और इनकी भी मेहनत और अपने हनुमान जी की मेहनत, अब 19 लाख की ग्रांट का प्रस्ताव पंचायत के सहयोग से आ गया भगवान की दया से, और आगे भी आप लोग बैठे हो कोई वो गौतम वाली बात से सौदा के मन आयत बढ़ गया। और चिनाई का काम आप लोगों के सामने ही है, अब स्टार्ट हो चुका है, काफी कुछ बन चुका है, और सोशल मीडिया पे भी जो हमारे फ्लोर्स थे वो काफी बढ़ रहे हैं और काफी हमें चाह रहे हैं। ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि विदेश में भी जो बैठे हुए हैं उनको भी एक खुशी की अनुभूति होती होगी जो इस संस्कृति से जुड़े हुए, और भी नए नए इसके द्वारा सोशल मीडिया से। और पहले सिरसा से प्रधान थे अशोक मिर्ची जी, और वहाँ से डॉक्टर साहब हैं हमारे शमशेर सिंह जी, तो इन्हीं के दिशा निर्देशन में इन्होंने जैसा बताया कि बहुत सामाजिक
कार्यकर्ता हैं भगवान की तरफ और अच्छे संस्कारों से, तो शमशेर जी को डॉक्टर साहब को सिरसा का प्रधान बनाया है। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर भी हमारी संस्कृति के लिए, पहले भी इन्होंने जो प्रोग्राम सिरसा में ना तो कौन सुना था बाली भाई साहब वाली बात से के बोल रहे तो वो भी हाँ मिर्ची साहब ने बताया था, मैं तो नहीं जा पाया था कि डॉक्टर साहब का बहुत उसमें बहुत बड़ा योगदान था और आगे भी इनसे आशा करेंगे। और अब तो ये संगठन से जुड़ी चुके हैं तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम वहाँ करवाते रहे जहाँ जनमानस में हरियाणी संस्कृति फैले। तो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद है इतनी दूर से यहाँ पर पधारे हैं। अब आगे की जो हमारी जो रूपरेखा है वो, एक तो जो प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं उनके बारे में एक टीम गठित की जाएगी जो उसी चीज़ को, क्योंकि कार्य बढ़ चुके हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी बन गई तो एक कमेटी ऐसी भी गठित की जाएगी जो सांस्कृतिक प्रोग्रामों का उसको देखेगी और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ है उनको पूर्ण करेगी। दूसरा, जो वार्षिक उत्सव होते हैं हमारे यहाँ सांग और भजनों का आयोजन जो होता है उसके लिए जो है आपकी बार प्रधान जियों की और सभी की इच्छा है कि विष्णु जी के सांग हों यहाँ पर, तो उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे हम। एक सबसे बड़ी बात, सरपंच साहब बैठे उमरावत से, तो उमरावत गांव ने यहाँ पे रसोई का, क्योंकि जिस भूमि पर रसोई तो लगी होनी चाहिए, तो इन्होंने आह्वान किया था कि रसोई हम बनाएंगे और उसका भी शीघ्र जो है इस प्रकार ही अब शुरू हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन कमेटी तो गठित हो चुकी है, आप लोगों के नाम इसमें बोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात और खुशी की मेरे लिए, इससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती कि आप लोग कितनी दूर दूर से चल के आए हो और इस संगठन के प्रति और इस संस्कृति के प्रति आपके प्रेम को देखते हुए मैं फिर दोबारा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो दादा लक्ष्मी चंद की जय हो, जय हो हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, सभी को प्रणाम।